हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फोर्स कितनी लगती है। देखिए, अब तक जो हमने डिस्कस किया था वो था अलग अलग कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस। आपने पैरेलल प्लेट का किया, स्फेरिकल प्लेट का किया, सिलेंड्रिकल प्लेट का किया। आज हम ये देखना चाह रहे हैं कि उन प्लेट्स के बीच में फोर्स एक्चुअल में कितनी लगती है। तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए देखिए, आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं, आपने इस वाली प्लेट को चार्ज दिया, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज दिया, तो इस पूरी प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज आ जाता है। इसके यहाँ प्लस आने से यहाँ इंड्यूस होता है अंदर की तरफ नेगेटिव साइन, और बाहर की तरफ कैसा साइन आ जाता है, पॉजिटिव साइन आ जाता है। फिर आप क्या करते हैं, फिर आप बाहर की साइड वाली जो बाहर का सरफेस है सेकंड प्लेट का, उसको आप अर्थिंग कर देते हैं, तो जिससे ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये चार्ज क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, यहाँ आ जाता है ज़ीरो। अब थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को समझने के लिए, फोर्स की वैल्यूज निकालने के लिए हम इसकी थोड़ी सी थिकनेस मान लेते हैं। कहीं इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे हम थिकनेस को, सिर्फ समझने के लिए मैं इस प्लेट को थोड़ा सा थिक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये प्लेट मान लेते हैं इतनी है, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि हम बात क्या कर रहे हैं। आप अब जीरो साइन इधर आया और अंदर की साइड क्या आया इसका, माइनस साइन। अब देखिए, अब जो फोर्स लगेगी वो दो सरफेसेस के बीच में होगी, पहली इस प्लेट और इसके इनर सरफेस पे, क्योंकि चार्ज यहां पर भी है, दूसरी इस फोर्स और इसके ये चार्ज और इसके आउटर सरफेस में। अब आपको फोर्स का तो पता है, सिंपली फोर्स किसके इक्वल है, क्यू वन क्यू टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और यहाँ जो बीच में डिस्टेंस है वो है डी। अब देखो, जब फोर्स की हम बात करेंगे किसमें, इनर सरफेसेस पे, तो फोर्स हो जाएगी आपके पास, वैल्यू आएगी क्यू वन क्यू टू, दोनों पे क्यू है, ये प्लस है ये माइनस है बस। लेकिन जब फोर्स आप आउटर सरफेस की निकालोगे तो चार्ज की जब मल्टीप्लाई करोगे तो इधर तो क्यू चार्ज है पर इसके आउटर में क्या है, जीरो, तो समथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो ये सारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे फोर्स ऑन आउटर लेयर ऑफ सेकंड प्लेट, सेकंड प्लेट की आउटर लेयर पे फोर्स कितनी, जीरो, क्योंकि चार्ज क्या है, जीरो, चार्ज जीरो तो फोर्स भी क्या हो जाएगी, जीरो। बट फोर्स ऑन इनर लेयर ऑफ सेकंड प्लेट, इनर लेयर पे तो चार्ज है क्यू, ये प्लस का है माइनस का, लेकिन यहां तो हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये भी क्यू और ये भी क्यू, तो क्या हो जाएगा, क्यू का स्क्वायर फोर्स हो जाएगी क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, डी है। तो ये फोर्स है आउटर लेयर ऑफ सेकंड प्लेट पे और ये फोर्स है इनर लेयर पे, लेकिन हमें तो इस पूरी प्लेट पे फोर्स निकालनी, आउटर इनर अलग अलग नहीं बतानी, तो दो फोर्सेस हो तो हम उनका क्या ले लेते हैं, फिर एवरेज ले लेते हैं। तो देन एवरेज फोर्स क्या होगी, एफ आउटर एफ इनर बाय टू, आउटर तो जीरो है, इनर की वैल्यू ये है, तो इसी को टू से मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो ये आ जाएगा ये आपके पास आ गई वैल्यू। अब आगे कैपेसिटेंस का हम टॉपिक कर रहे हैं, तो अभी हमें और भी वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि इस फोर्स को किसकी फॉर्म में निकालना है, इस फॉर्म में तो पहले से ही पता है हमें क्यू की फॉर्म में, तो हम इसको निकालना चाह रहे हैं उन कंपोनेंट्स की फॉर्म में जो कंपोनेंट्स हमने कैपेसिटेंस के चैप्टर में किए हैं, किसमें, सी की फॉर्म में, वी की फॉर्म में, ए की फॉर्म में, डी की फॉर्म में।
ठीक है, तो उनमें हम निकालने के लिए आपको पता है फिर Q किसके इक्वल होता है, चार्ज इक्वल होता है कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल के, ये फॉर्मूला आपने किया था, कैपेसिटेंस किसके इक्वल, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो चार्ज किसके इक्वल, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल, यहाँ वैल्यू पुट करिए तो जो फोर्स है आपके पास वो आएगी सी स्क्वायर वी स्क्वायर, क्यू की जगह पुट किया और नीचे हो गया 8 पाई एप्साइलन नोट डी का स्क्वायर। सी की वैल्यू भी आपने पढ़ रखी है एज सी इज इक्वल्स टू एप्साइलन ए बाई डी, ये कैपेसिटेंस निकाला था आपने पहले प्लेट कैपेसिटर का, और यहाँ वैल्यू किसकी पुट होनी है सी स्क्वायर की, तो सी स्क्वायर करेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी स्क्वायर हो जाएंगी, वैल्यू यहाँ पुट करें तो एफ आएगा आपके पास एप्साइलन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में 8 पाई एप्साइलन नॉट डी का स्क्वायर, ऑलरेडी है 8 डी का स्क्वायर हो जाएगा आ जाएगा, ये हो जाएगा डी की पावर 4, एक एप्साइलन से एप्साइलन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो फोर्स का फॉर्मूला आएगा एफ इज इक्वल्स टू एप्साइलन ए स्क्वायर बी स्क्वायर 8 पाई डी की। एक फॉर्मूला ये हम देखिए चार फॉर्मूले हम इस आर्टिकल में निकालने वाले हैं, हो सकता है चारों फॉर्मूलों में कोई आपको डेरिवेशन के लिए एग्जाम में ना आए, लेकिन जो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन है कंपटीशन पोर्शन है तो वहां पे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा इन चार में से किसी फॉर्मूले के, फोर्स पूछी जा सकती है और जो कंपोनेंट्स हैं जो अंदर की क्वांटिटी है वो किसी भी एक फॉर्मूले की दी जा सकती है, तो आपको फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब इसी में देखिए आगे चलते हैं हम, अगेन वी नो डेट वी की वैल्यू क्या होती है ई इंटू डी एज वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी, इंटीग्रेशन करके निकाला आपने ग्रेडियंट वाले रूल को, ठीक है वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो एफ किसके इक्वल होगा एप्साइलन नॉट ए का स्क्वायर वी के स्क्वायर की जगह ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन में 8 पाई डी की पावर 4, 2 था यहाँ पावर 2 रह जाएगी, तो फॉर्मूला एक और आ गया एप्साइलन नॉट ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन में 8 पाई डी का, ये फॉर्मूला सेकंड। देख लीजिए इस फॉर्मूले में तो आपके पास पोटेंशियल था, अगर पोटेंशियल गिवन हो, इस फॉर्मूले में इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो। अब देखिए और भी हम फॉर्मूला निकालेंगे अभी इसका, अब इस प्लेट पे चार्ज हम दे रहे हैं, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सेकंड प्लेट के चार्ज पर एक फोर्स लग रही है जो आपने सिंपली पढ़ी है, तो उसको हम क्या लिखते हैं फोर्स ऑन सेकंड प्लेट, यानी कि एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई, सेकंड प्लेट पे भी चार्ज क्या है क्यू ई है और इसकी वजह से फोर्स लगी है तो क्या आ गया क्यू ई, क्लियर आपको ये चीज यहां पर। अब देखिए ई की वैल्यू कहां रखें हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस ऑफ चार्ज, एक शीट आपको नजर आ रही है प्लेन शीट, ये है प्लेट एक, और एक प्लेट की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस में निकाली थी, और वो क्या निकाली थी कि ड्यू टू सरफेस ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आपने निकाली थी। अब इस वैल्यू को पुट करने का टाइम आ गया आपके पास, इस फॉर्मूले में पुट करिए, देखिए एफ इज इक्वल्स टू क्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ई की जगह हमने वैल्यू रख दी, अगेन सिग्मा क्या है चार्ज डेंसिटी, कौन सा सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज बाय एरिया, तो आप क्यू टू एप्सिलॉन नॉट को अलग लिखे, इसको क्या लिख सकते हैं चार्ज बाय एरिया, और ये किसके इक्वल आ गया क्यू स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए, कंफ्यूज नहीं होना, देख लीजिए फोर्स सेकंड प्लेट पे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू गॉस थ्योरम हमने लगा दी एक शील्ड ऑफ चार्ज की वजह से, तो फिर आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की सिग्मा को उसकी फॉर्म में लिखा चार्ज अपॉन में एरिया, और आपके पास
ये वैल्यू आ गई निकल के। अब देखिए एज चार्ज तो किसके इक्वल होता है, सिग्मा इंटू ए। अगेन हम इसको दोबारा उस टर्म में लेके जा रहे हैं जिन टर्म में हमें चाहिए, हमें चार्ज के टर्म में फॉर्मूला नहीं चाहिए। यहाँ तो चार्ज आ गया, चार्ज को फिर रिमूव करना है, तो q को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू ए। तो वैल्यू पुट करें तो यहाँ पे q का स्क्वायर है फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट ए। सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर टू एप्सिलॉन नॉट ए, और यहाँ से ए से एक पावर कैंसिल आउट होगी तो सिग्मा स्क्वायर ए टू एप्सिलॉन नॉट ए। ये है आपके पास थर्ड फॉर्मूला जो आपको सिग्मा के फॉर्म में, ए के फॉर्म में और एप्सिलॉन के फॉर्म में मिला, दो प्लेट्स के बीच में लगने वाली फोर्स। अब देखिए बिटवीन द प्लेट्स, आपने स्पेशल केस किया था गॉस थ्योरम का, बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने निकाली थी वो क्या थी, एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दो प्लेट के बीच में यहाँ से टू चला जाता है, ये था बिटवीन द प्लेट्स। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आप सिग्मा की वैल्यू अगर निकालो तो किसके इक्वल आती है, ई एप्सिलॉन नॉट, और इसी सिग्मा की वैल्यू को आप यहाँ पुट करोगे तो देखिए फोर्स इज इक्वल टू इसका स्क्वायर करोगे ई का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर और अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया हाफ, एक एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा एप्सिलॉन नॉट E square, A. ये है चौथा फॉर्मूला, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। तो ये हमारे पास वो फोर्सेस हैं, चार फॉर्मूले मैंने आपको फोर्सेस के बताए जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में लगती हैं। चारों में से कोई भी फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ सकता है इन केस ऑफ न्यूमेरिकल, या फिर जब आप कॉम्पिटिशन किसी एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको ये यूज करना पड़ सकता है। तो आपके माइंड में चारों फॉर्मूले होने चाहिए, आपको उनके बेस पे अच्छे से न्यूमेरिकल ट्राई कर लेने हैं।